जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर मेरी ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो और जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका चैनल सर्च बार में आने लग जाएगा। बिल्कुल 100% रियल है, मैं कोई ऐसी फेक बात करता नहीं। आप मेरे चैनल पे जाके कोई भी वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल रियल और जेन्यून बात करता हूँ। ताकि जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर है, जैसे यूट्यूबर किसी की, हर किसी की एक शुरुआत होती है, जैसे मेरी भी एक शुरुआत है, ठीक है, हर किसी की एक शुरुआत होती है। शुरुआत में प्रॉब्लम यही आती है कि हमारा चैनल सर्च बार में नहीं आता। अगर हम किसी का फ़ोन पकड़ के अपना फ़ोन चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सर्च बार में नहीं आता। हमें घंटा डेढ़ घंटा तो इसी काम पे लिए लग जाता है, भी हमारा चैनल कहाँ है, हमारी वीडियो कहाँ है। तो आज की वीडियो में मैं यही ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ भी आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है फ्रेंड। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको सीधा ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो मैं आपके साथ इधर शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना चैनल और उसमें दिक्कत क्या है, कमी क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करना, फिर आपका चैनल ऑटोमेटिकली सर्च बार में आने लग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड मैं यूट्यूब पे चलता हूँ। मेरा एक चैनल पहले का बनाया होता, उसमें मैंने कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया। ये देखो फ्रेंड, ये मेरा चैनल है, दम बोले कोई इसका नाम रखा था मैंने। अभी फ्रेंड मैं इसको सर्च में डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्च में डालता हूँ तो ये देखो फ्रेंड, मैं कितनी स्क्रॉल डाउन करता रहूँ, ये मेरा सर्च बार में नहीं आ रहा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है फ्रेंड, अभी देखो मेरे चैनल की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मैं अपने चैनल पे जाऊँगा जहाँ पे होम है, वीडियो प्लेलिस्ट, अगर चैनल पे प्रेस करूँगा तो जहाँ लिखा हुआ दिस चैनल डज नॉट फीचर एनी अदर चैनल, भी इस चैनल ने ये फीचर है ही नहीं भी अदर चैनल का कोई सब्सक्रिप्शन दिख सके। बस इसी चीज़ को हमने अनेबल करना है। अगर इसको अनेबल कर दे तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल सर्च बार में आने लग जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसके लिए हमने सिंपली आपने जाना है गूगल क्रोम पे। जैसे फ्रेंड मैं अभी ये देखो गूगल क्रोम पे आ गया हूँ, जहाँ हम ऊपर वाले तीन डॉट पे जाएंगे तो जहाँ डेस्कटॉप साइट लिखा होता है, किसी में डेस्कटॉप मोड लिखा होता है, आप देख लीजिए उसको, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपने फ्रेंड्स क्या करना है, सर्च बार में यूट्यूब डालना है। जैसे यूट्यूब डालेंगे तो जहाँ यूट्यूब इन करके लिखाएगा और कुछ इस तरह का फ्रेंड्स इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगा। और इसके साथ ही ये क्योंकि इसके साथ क्या है, मेरा जो आईडी मैंने दम बोले कोई पे लगाई हुई है वही आईडी से आपने गूगल क्रोम पे लॉगिन करना है। मतलब दूसरी आईडी नहीं आपने लगानी, मतलब गूगल पे वही अकाउंट से लॉगिन रखना है अपने फ़ोन को, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ पे ये देखो मेरा वही अकाउंट है, दम बोले कोई, मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ, आप बस समय के पीछे मत भागना फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट वीडियो देखना बस। ये देखो फ्रेंड मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो वही मेरा चैनल है दम बोले कोई, ठीक है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फ़ोन की दिक्कत होती है ना, कई बार हैंग हो जाता है। ये देखो फ्रेंड दम बोले कोई वही है। तो इसको हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने साइड पे क्या करना है, जहाँ पे एक ऊपर थ्री थ्री लाइन लिखी बनी होती है, इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है, हमने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, जो ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना, यही सेटिंग है। यहीं से हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ पे एक लिखा रहेगा प्राइवेसी, प्राइवेसी जैसे लिखा रहेगा इसको हम जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे फ्रेंड्स जे कीप माई ऑल माई सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट, इसको हमने ऑफ कर देना है। और दूसरा लिखा है कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, जहाँ से आप अपने सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ से हमने क्या कर देना है, इसको भी ऑफ कर देना है, बस आपने इतनी सेटिंग करनी है। इसके बाद आपने फ्रेंड कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा आपको चैनल पे लेके चलता हूँ, आपने सर्च बार में कैसे कैसे लाएंगे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो मैं आ गया हूँ वहीं पे, चैनल पे आ गया हूँ, जहाँ मैं अपने चैनल पे जैसे आ जाता हूँ तो अभी मैं चैनल पे जाता हूँ, तो ये देखो मैंने जिसका भी चैनल सब्सक्राइब किया है तो वही यहाँ पे आने लग गया है। अभी आपने क्या करना है, कोई ऐसा पॉपुलर जो भी आपका यूट्यूबर है उससे आपने चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। जैसे आप मुझे लिंक भेजोगे तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। तो जहां आपने सर्च बार में डालना है मेरे चैनल का नेम, जैसे लिखा हुआ है अभी से शुरू, ठीक है फ्रेंड, मैं इतना डाल देता हूं, अभी से शुरू, आप बस कंप्लीट देखते रहना, जे अभी से शुरू है। ये देखो ये सब्सक्राइब, जैसे हम इसको खोलेंगे, इसको आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, अभी से शुरू जो लिखा हुआ है इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले आप मुझे अपना चैनल, मेरे से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लेना,
उसके बाद ही आपने जे आगे का काम करना है। उसके बाद जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे, मेरे चैनल पे जाने के बाद चैनल वाला बटन दबाओगे तो जहाँ पे फ्रेंड्स ये सबसे ऊपर आ जाएगा आपका। जो अगर ऊपर नहीं आएगा तो जहाँ पे आप फ्रेंड्स ढूंढ लेना, मैंने जो भी सब्सक्राइब किए हैं वो पूरे के पूरे फ्रेंड्स जहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जे बीच में आपको कंप्लीट दिखाई देने लग जाएंगे जहाँ पे, जैसे दम बोले कोई है, जहाँ से आपको क्या करना है, किसी का भी फोन पकड़ना, वहाँ से चैनल में डालना है अभी से शुरू। जैसे अभी से शुरू डालेंगे तो उसकी आपने चैनल पे जाना है। चैनल में जाने के बाद आपने वहाँ पे अपना चैनल सर्च कर लेना है। अपना चैनल सर्च करोगे तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका चैनल पक्का होगा जो मैंने सब्सक्राइब किया अभी से शुरू चैनल पे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने मुझे जहाँ किसी भी वीडियो में कमेंट करके अपना चैनल का लिंक दे दीजिए, जहाँ मुझे, मैं आपको स्क्रीन पे अपना नंबर दिखा रहा हूँ, जहाँ मुझे कॉल कर लीजिए, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, आप व्हाट्सअप पे अपने चैनल का लिंक दे दीजिए। मुझे पता है अभी किसी का अगर चैनल हम सब्सक्राइब कर देंगे, जब मैं किसी का चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा या अनसब्सक्राइब कर दूंगा तो मेरे चैनल को या मेरी इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका चैनल सर्च बार में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपके जैसे ही आप जहाँ से भी मैं आपका चैनल सर्च करूंगा, जैसे ही किसी एक चीज़ का और फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये तो कंप्लीट मैंने बता दिया आपने क्या करना है। एक, जब भी आप किसी को लिंक के सारे व्हाट्सअप सब्सक्राइब मत करवाओ, आपने क्या करना है अपने चैनल का नेम बताना है, चैनल का नेम बता के या कोई वीडियो बता के उसके बाद उसको सर्च करवाना है। सबसे पहले ये तभी कर पाओगे जब आपका चैनल सर्च बार में आने लग जाएगा। आप बस मेरे चैनल पे आके आपको सर्च करना है, जैसे आप 20, 50, 100 तक सब्सक्राइब ऐसे बढ़ जाते हैं तो फ्रेंड्स मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका चैनल सर्च बार में आने लग जाएगा। तो जहाँ आपका 2 मिनट लगते हैं, मतलब अभी से शुरू चैनल चैनल पे गए और चैनल उसके चैनल पे जाके जैसे हमने आपका देखना है मेरा चैनल कौन सा है, वहाँ जाके आप इजीली बड़ी मुश्किल से 2 मिनट में आप अपने चैनल पर तक पहुँच सकते हो। क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स किसी का भी फ़ोन पकड़ते हैं, किसी का भी फ़ोन लेते हैं 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो बंदा 2-4 मिनट के लिए दे देता है, कहीं हमें आधे घंटे के लिए थोड़ी देता है वो भी, आ सर ये ले लो सर्च कर लो, हम आधा घंटा ढूंढते रहें। जहाँ से फ्रेंड बड़ा इजी है, अगर हमारा चैनल सर्च बार में आने लग जाता है, या हमें कोई ऐसा मेथड जो मैंने बताया अगर इसको आप फॉलो करते हो, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट के लिए फ़ोन लिया, ठक ठक करके आपने जो भी है मतलब सर्च किया, अपना चैनल सब्सक्राइब किया, बेल बटन को ओके किया और चल भाई लो सर आपको फ़ोन लो। तो उम्मीद करता फ्रेंड ये मेरी जो मैंने वीडियो बनाई है आपके बहुत काम की है, क्योंकि फ्रेंड मैं इधर उधर की फेक बात नहीं करती। सर आप यहाँ पे ये टैग लगा दो, यहाँ पे वो लगा दो, आपने जो करके रखा है फ्रेंड, अगर आपने एक भी टैग नहीं लगाया ना तब भी आपका चैनल सर्च बार में आने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फ्रेंड मैं स्क्रीन पर नंबर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा बिजी रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना जो चैनल का लिंक है वो भेज देना, मैं अपने चैनल से सब्सक्राइब कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो बड़ी इजीली आप अपने चैनल तक पहुंच सकते हो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट में। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल।